हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को बताया, मैं आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो आज फिर से एक नया अपडेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप लोगों को बता दूं कि आज का जो अपडेट है वो आपके स्कॉलरशिप के संबंधित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट थे मुझे कि स्कॉलरशिप फॉर्म वगैरह के बारे में कुछ अपडेट दीजिए यूनिवर्सिटी के, क्योंकि जो हाई स्कूल एंड इंटर के जो स्कॉलरशिप के फॉर्म थे वो भरे जा रहे थे, बट यूनिवर्सिटी का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर देखिए, महासागर विश्वविद्यालय की ओर से खुद ही एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है, और उसमें स्कॉलरशिप के संबंधित आपका जो है वो बताया गया है। तो यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते करते वीडियो को शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। तो यहाँ पर चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखें, यहाँ पर अनुस्मारक द्वितीय लिखा हुआ है, और उसके साथ ही यहाँ पर सेवा में प्राचार्य, प्रधानाचार्य, सचिव, समस्त संबंध महाविद्यालय महासागमरी विश्वविद्यालय सहारनपुर आदि को रखा गया है। यानी कि अब मैं आपको बताऊँ, ये नोटिस किस किस के लिए जारी किया गया। ये नोटिस आपके मुजफ्फरनगर जिले के समस्त कॉलेज, शामली जिले के समस्त कॉलेज तथा सहारनपुर जिले के जितने भी कॉलेज यहाँ पर महासागमरी विश्वविद्यालय संबंधित है उनके लिए जारी किया गया है। और यहाँ पर विषय की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2022-23 के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में। तो यहाँ पर आपको बता दूँ क्या है पूरा मामला। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि महोदय उपयुक्त के विषय संबंध में आपको अवगत कराना है कि नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति को प्रपत्र संख्या 14-10-8 प्रशासन MSU 2021-22 दिनांक 12-9-2022 के द्वारा आप सभी को निर्देशित किया गया था कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2022-23 के अंतर्गत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर डाटा अपलोड करते हुए अंतिम तिथि 13-9-2022 तक संबंधित फाइल विश्वविद्यालय में जमा करा दे। पुनः नोडल ऑफिसर छात्रवृत्ति के प्रपत्र संख्या 15-71-8 प्रशासन MSU 2022-23 दिनांक 30-9-2022 के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित फाइल दिनांक 6-10-2022 तक विश्वविद्यालय में अनिवार्य करना जमा करा दें, किंतु आज 10-10-2022 तक भी अवलोकन महाविद्यालयों शिक्षण संस्थानों में फाइल जमा नहीं हो पाई, विश्वविद्यालय में जमा नहीं कराई गई है। ऐसे महाविद्यालयों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित फाइल को 13-10-2022 को 4:30 तक विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दूँ छात्रवृत्ति को लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो पूरा जो है जोर दे रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने भी अगर अभी तक हमारा जो वो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो नहीं भरा तो आप लोग भर लीजिए और अपने कॉलेज में उसको जमा करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका जो डाटा है वो वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा और आपका डाटा सेम होने के कारण ही आपकी जो है वो स्कॉलरशिप आपको अकाउंट में दे दी जाएगी। जो छात्र का एडमिशन हो चुका है ऐसे छात्र अपना जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरा सकते हैं तथा अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो कॉलेज में जमा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपको लगाने हैं वो फॉर्म के साथ ही आपको प्रिंट मिलेगा, उस पर लिखे होते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।